कार्य आप कर रहे हैं, कई बार आपके पास कई काम हो जाते हैं, अपने को रिलैक्स रखना सीखना है। चार काम होने के बाद भी अगर हम अपने को इजी रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे, तो चारों काम बिफोर टाइम पूरा कर लेंगे। और अगर हमारी नेचर है काम मिलते ही टेंस, तो हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, हम ज़्यादा समय में थोड़ा ही काम कर पाएंगे, आपसे मिस्टेक भी बहुत होती रहेंगी। और यदि आपने अपनी बुद्धि को शांत रखा है, इजी रखा है, तो मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। मैंने बहुत साल पहले 1971 में पांच बातें सुनी थी इजी नेचर के बारे में, ईश्वरीय महावाक्यों में, और उनको अप्लाई किया जीवन में, बहुत गुड रिजल्ट हुए। तुम इजी होंगे तो कार्य भी इजीली पूर्ण हो जाएंगे, तुम इजी होंगे तो बीमारियां भी इजीली चली जाएंगी, तुम इजी होंगे तो तुम्हारे संस्कार भी इजी हो जाएंगे, तुम इजी होंगे तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स, रिलेशनशिप्स, उनमें भी इजीनेस आ जाएगी। पांचवी बात योग की है, तुम इजी होंगे तो योग अभ्यास भी इजीली होगा। मैंने पांचों पर सब कुछ किया फिर जीवन में, और देखा सचमुच ये सत्य है कि हमारी इजी नेचर से हमारी मन की शक्तियाँ सेव हो जाती हैं, और वो शक्तियाँ बहुत ज़्यादा काम करती हैं। मैं आपको एक सीक्रेट और सुनाता हूँ जिसको मैंने जीवन में बहुत अप्लाई किया। हम लोग ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं तो उस महावाक्य में एक बात आई, इंग्लिश में उसको कहते हैं इकोनॉमी येट एक्सेलेंट। इकोनॉमी भी हो, कम पैसा खर्च करें और काम बहुत सुंदर भी हो जाए। तो इसको एक्सप्लेन इस तरह किया गया, अब डिवाइनली इसको एक्सप्लेन किया गया अलौकिकली, क्या? अगर तुम्हारे मन में संकल्प कम होंगे, यानी तुम संकल्पों की इकोनॉमी कर रहे हो, तो कार्य कम समय में पूर्ण हो जाएगा। यदि तुम बोल की इकोनॉमी करो तो कार्य कम समय में पूर्ण हो जाएगा। मैंने दोनों एक साथ किए फिर जीवन में, संकल्प भी कम और बोल भी कम, तो देखा कार्य बहुत जल्दी और परफेक्टली कंप्लीट होने लगे। ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। ये जीवन की यात्रा को सुखद बनाने के तरीके हैं, जीवन की यात्रा को फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ सक्सेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस करने के तरीके हैं। हमें इस जीवन की यात्रा में खुशी को बहुत बढ़ाना है। आप सब जानते हैं दुनिया में ये देखने में आता है जैसे और सब चीज़ महंगी हो रही है, उन सबसे ज़्यादा महंगी हो रही है खुशी, हो रही है ना? धनवान लोग खुश नहीं, बड़ी बड़ी पद पोजीशन पर बैठे लोग खुश नहीं, कभी कभी तो दिखता है गरीब लोग उनसे ज़्यादा खुश हैं। अब से 15 दिन पहले हमारे यहाँ एक सुंदर प्रोग्राम था बिजनेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट का, बिजनेसमैन और इंडस्ट्री वाले बहुत लोग आए थे। तो एक ग्रुप मेरे से मिल रहा था, बात शांति की चल रही थी, उनमें एक दो लोग बहुत खुश और शांत थे। तो एक ने सुनाया कि मेरा एक फ्रेंड है, वो बार बार मुझे कहता है मेरे जीवन में शांति नहीं है, मुझे शांति चाहिए। तो कहा मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी कारें रखी हैं, सुंदर बंगलो है, परिवार है, तुम्हारा धंधा अच्छा है, तुम शांत क्यों नहीं हुए? क्या उत्तर दिया था आप? थोड़ी देर हंस लेना। कहा मेरे पास 550 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है उसके पास 2000 करोड़ की है।
कहा मैं बहुत सोचता हूँ मैं जल्द जल्दी उससे आगे कैसे निकलूँ, आगे निकलना है संपत्ति में, प्रॉपर्टी में। खुशी खोकर संपत्ति ले लेंगे, बोलो वैल्यू खुशी की या प्रॉपर्टी की? सच कह रहे हैं आप तो नहीं पीछेंगे, भागेंगे संपत्ति के पीछे? संपत्ति कमाना चाहिए, उसकी जरूरत है, लेकिन विथ फुल कंटेंटमेंट, विथ फुल हैप्पीनेस। और आप देखेंगे बहुत खुश आप रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, संपत्ति आपके पीछे पीछे आएगी, कमी होगी नहीं। तो जीवन में कंपैरिजन से बहुत लोग अशांत हैं। हमें हेल्दी कंपटीशन तो करना चाहिए, पर ऐसा कंपैरिजन नहीं जो हमारे पास सब कुछ होते भी हम सुखी ना हों। हर चीज का भी इफेक्ट ब्रेन पर आ रहा है। मैं तो सबको आजकल ये कहना शुरू कर दिया है और मैं इस चीज को बहुत बढ़ाऊंगा आगे, योर ब्रेन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, है या नहीं? अगर आपने अपने ब्रेन को बिगाड़ लिया, अगर आप रात को सोए नहीं सुख से, तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ये धन संपदा, ये पद पोजीशन सब आपको बेकार लगेंगी। और ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, मुझे कहते हैं मेरा सब कुछ ले लो, मुझे रात को सुला दो। मैंने कहा भाई मैं कैसे जाऊंगा तुम्हारे बेडरूम में तुम्हें सुलाने रोज, तुम खुद सो जाओ, मैं विधि बता देता हूं, आप क्या, हमें कुछ नहीं चाहिए। नींद महंगी होती जा रही और होती जाएगी, इसलिए ब्रेन पर किसी भी चीज का इफेक्ट ना आए, बी केयरफुल। स्वीकार करते हैं आप सभी? मैं केवल यस के लिए नहीं कहला रहा हूं आपसे, लेकिन इसको जीवन में पक्का कर दें और लोगों को कराएं, अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवार वालों को। किसी चीज का महत्व नहीं है, केवल ब्रेन हमारा एफिशिएंट हो, हम एनर्जेटिक हो, हम पॉजिटिव हो, इसका ही बहुत महत्व है। मुझे दो केस याद आ रहे हैं, आपके नॉलेज के लिए सुना रहा हूँ, मैं सुना चुका हूँ, लेकिन फिर से। एक डॉक्टर परिवार है मुंबई में, फादर का बहुत अच्छा बड़ा नर्सिंग होम है, मैं गया था अभी 3-4 मास पहले, बहुत बड़ा है। उसका लड़का भी डॉक्टर है, एमडी। उसके लड़के को 20 साल से डिप्रेशन रहा है। अब बेचारा जाता भी है अपने वहाँ, लेकिन जीवन में कोई आनंद नहीं, डिप्रेशन रहता है, चेहरे से दिख रहा था। तो मुझे ले गए अपने यहाँ, वो हमारे यहाँ आते जाते हैं, दोनों ही आते हैं। बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, लाखों रुपया, डिप्रेशन जा नहीं रहा। मैंने उनको 3-4 चीज़ें सिखाई। एक चीज़ मैंने कल आपको योग में प्रैक्टिस कराई थी, वो जीवन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट, जानने योग्य है, क्षमा मांग लो। याद है योग में कराई थी मैंने। उन लोगों को थैंक्स दो जिन्होंने 1000 साल में हमें हेल्प की है, जो हमारे गुड फ्रेंड रहे हैं, उन्हें धन्यवाद देने से देखो क्या होगा। सीक्रेट, इस जीवन में आपको हेल्प करने वाले हर जगह मिल जाएंगे। थैंक्स दो उन्हें, शुक्रिया करो और क्षमा मांग लो उनसे जिनको पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, सच्ची घटना। हमारे यहाँ जोधपुर है, वहाँ का एक बड़ा डॉक्टर बीमार हुआ, रेफर कर दिया गया जयपुर, कुछ नहीं हो रहा था, मृत्यु की ओर बढ़ गया। उसका फ्रेंड है हाई कोर्ट का वकील, उसको उसने कहा, वो हमारे यहाँ आता है, भाई आपके यहाँ ज्ञान योग ध्यान ये सब चलता है, देखो इसको बचाया जा सकता है कुछ। तो उसने भोग लगवाया, हमारे यहाँ एक भोग प्रथा है, ऑफर किया जाता है भगवान को। तो वो बहन जो ट्रांस में गई, उसने एक सीन देखा जाते ही कि एक बगीचा है,
उसमें ये डॉक्टर बैठा है और ये है राजकुमार. कभी डॉक्टर दिख रहा है, कभी राजकुमार दिख रहा है. फिर राजकुमार दिखने लगा. उसमें एक ब्राह्मण ने प्रवेश किया बगीचे में. दोनों में बातचीत हुई, विवाद हुआ, झगड़ा हो गया और इस राजकुमार ने तलवार से उसको मार दिया. तो बताया कि ये उससे क्षमा याचना करे तो ठीक हो सकता है. जब ये मैसेज उस डॉक्टर को दिया जो बिल्कुल डेथ के समीप पहुंच गया था, ब्रेन भी बिल्कुल समाप्त हो रहा था, इसको रियलाइज हुआ इट्स ट्रू और इसने वहीं हाथ जोड़कर क्षमा याचना की. ब्राह्मण देवता, मैंने गुस्से में आकर आपका मर्डर किया था, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे दुआएं दें, आप सुखी हो जाएं, आपको जो मैंने कष्ट दिया है उसे उसके लिए मुझे क्षमा करें. रोज शुरू कर दिया उसने, रोज ठीक होने लगा और 15 दिन में हेल्दी होकर वापिस पहुँच गया वो डॉक्टर है. ये बिल्कुल सच्ची घटना है. तो हम जीवन में एक तो किसी को हर्ट न करें, रोज सवेरे 7 दिन तक हम क्षमा याचना कर लें तो हमारे बहुत सारे बंधन, रोग, समस्याएं, परिवारों में टेंशन खत्म हो जाएगी. हो सकता है वो व्यक्ति जिसको आपने कष्ट दिया हो बच्चा बनकर आपके परिवार में बैठा हो, वो रिटर्न लेने आया हो, रिवेंज लेने आ गया हो आपसे, उसके कारण आपका जीवन अशांत हो, आप क्षमा याचना करेंगे वो शांत हो जाएगा. तो ये बहुत सुंदर टेक्निक्स हैं जीवन जीने की. केवल ये फिलोसॉफी नहीं, थ्योरिटिकल बातें नहीं हैं. मैंने इन सब चीज़ों के बहुत बहुत अनुभव कराए हैं लोगों को. टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.